धर्म संकट में फंसने वाला है ईशान, ऐसे में लेगा रीवा और सवी के लिए कैसा फैसला। वेल, आपको बता दें, स्टार प्लस के सीरियल गुम्हे किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे किस तरह से रीवा सवी इन दोनों के बीच में ईशान फंसने वाला है। ऐसा लगेगा ईशान किसी धर्म संकट में है जिसके चलते वो बहुत परेशान है, सब उससे सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन वो क्या सबको बताए, क्या फैसला ले, इसको लेकर वो खुद बहुत कंफ्यूज है। चलिए बताते हैं ईशान किसका साथ देगा, क्योंकि एक तरफ रीवा है, दूसरी तरफ सवी, क्योंकि सवी की बहन हरिणी की तबीयत खराब है, जिसको लेकर ईशान भी बेहद परेशान है। चलिए बताते हैं डिटेल में क्या होने वाला है। वह आज के ट्रैक में आप देखेंगे, एक तरफ जहां ईशान सवी की बहन हरिणी से मिलने गया, उसकी तबीयत देखी, जब डॉक्टर ने उनकी हालत बताई तो ईशान परेशान हो गया कि कोई भी मेंटल स्ट्रेस हरिणी को नहीं दिया जा सकता। अब यही बात ईशान ने सवी से कही कि सवी, अभी हम शादी का सच उन्हें नहीं बता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीवा को आप देख सकते हैं, रीवा किस तरह से पागल हो रही है। रीवा जो है वो बैठ जाती है शिखा के पास और खूब रोती है। जिस तरह से फूट फूट कर रीवा रो रही है, उसको देखकर शिखा भी इमोशनल हो जाती है। शिखा रीवा को गले से लगा लेती है। अब रीवा कहती है, बहिनी आप ही बताइए, बार बार मेरा दिल क्यों टूटता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपको तो पता है ना जब दिल टूटता है तो कितना दर्द होता है, तो आप ही मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ये बातें बोलते बोलते रीवा और तेज तेज रोने लगती है, जहां पर शिखा उसे संभालती हुई नजर आती है। अब वहीं आप देखेंगे किस तरह से घर वाले जो है वो भी परेशान है, पूरे भोसले हाउस में फिर से हंगामा होने वाला है, जहां पर आप देखेंगे किस तरह से भाई रीवा के माता पिता जो है वो ईशान पर भड़क रहे हैं। ईशान भागता भागता घर आता है, जहां पर रीवा जो है पागलों की तरह बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है कि उसको किसी चीज का होश ही नहीं है। वहीं हम देख सकते हैं किस तरह से ईशान जो है वो भी परेशान है, जैसे ही ईशान आता है सबके सब ईशान से सवाल जवाब करने लगते हैं, सबके सब बैठे हैं। आप देख सकते हैं रीवा की माँ स्वाति जो है वो कहती है, तुम फिर से मुझे बताओ, क्या तुम फिर से रीवा को छोड़ दोगे, क्या तुम रीवा के साथ अब आगे नहीं बढ़ना चाहते, ईशान तुम्हारा फैसला क्या है, मुझे तुमसे सुनना है। वहीं पर रीवा का पिता स्वानंद जो है वो कहते हैं कि हाँ हमें बताओ, हम सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, वरना हम रीवा को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। अब ऐसे में ईशान को याद आता है कि हरिणी ताई ने किस तरह उसे जीजू कहा था, फिर उसे याद आता है कि कैसे डॉक्टर ने कहा है कि हरिणी ताई को हम कुछ नहीं बता सकते। क्या ऐसे में ईशान जो है रीवा का साथ छोड़ देगा, क्या फिर से एक बार सभी को अपनाने के लिए ईशान रीवा को ही छोड़ेगा, और अगर रीवा को छोड़ा गया तो रीवा का क्या दी एंड हो जाएगा इनके बीच में से। कमेंट करके अपनी राय बताइएगा जरूर। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।